वंदनीय संत समाज, सम्मानीय सत्संग प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, साथ ही साथ इस धरती माँ की गोद में, इस वसुंधरा की गोद में उछलने कूदने वाले प्यारे प्यारे बच्चे, अभी आप सब हमारे पूज्य गुरु भाइयों द्वारा प्रवचन सुने, भजन सुने। मुझे विश्वास है आप लोग जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, काम भर की बातें आप सुन चुके हैं। अब इधर होगा वो एक्स्ट्रा डोज होगा, तो संभल कर बैठिएगा, पचाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आइए मैं आप लोगों को सद्गुरु कबीर साहेब जी के विचारों को आप लोगों के बीच मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। संत जो होते हैं वो हम लोगों के ही चिंतक होते हैं। संत का जीवन स्वाभाविक सरल होता है, उसके अंदर लोगों से कोई कामना और चाहना नहीं होती है। वही संत है जहां कामना हो, चाहना हो, इच्छा हो, मांग हो, डिमांड हो, तो फिर वो संत कैसा? सारी इच्छाएं जिसकी बुझ जाती है वही संत है। सरल हो, सहज हो, हम अपनी मन की बातें, मन की मुराद, अपने दुख, अपनी तकलीफ उनके बीच रख सके। संत जब हमारे सामने आते हैं तो हमको चाहिए कि उसके नजदीक बैठे। जैसे आप पानी के पास जाते हो तो पानी की शीतलता आपको हाथ से नहीं खींचना पड़ता है। कैसे होता है? स्वाभाविक उसकी शीतलता आपको रगड़ते हुए आगे चलती है। अभी ठंडी के महीना है, ठंडी में जब आप आग के पास जाते हो तो आग से स्वाभाविक गर्मी मिलती है। ऐसे ही जब संतों के सानिध्य जाते हैं, उनके चरण शरण जब होते हैं, तो स्वाभाविक संतों की शीतलता, उसका निर्मल व्यवहार हमारे ऊपर आने लगता है। जैसे हमारे बीच इसी में से बैठे हुए माता बहने भाइयों में कोई परफ्यूम लगा कर आया हो, कोई लगा कर आए हैं क्या? तो कोई परफ्यूम लगा कर आया हो, एक व्यक्ति यहीं से गुजर जाए या आपके पास सट कर बैठ जाए, वो बंदा उठकर चला भी जाए, लेकिन अपनी सुगंधी वो छोड़ कर जाता है। कबीर संगत साधु की, ध्यान से सुनिएगा, मेरा मेहनत सफल हो, आप लोग मेरे से नहीं, कबीर साहब के विषय में जितने भी बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक माध्यम हूँ, लेकिन जो भी कह रहा हूँ सद्गुरु संतों की जो बातें हैं, उनकी ज्ञान की बातें, वही मैं जो मुझे संतों गुरुजनों से अब तक मिला, आप जैसे बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, उन्हीं बातों को हम लोग यहाँ बैठ कर कर रहे हैं। मैं प्रवचन नहीं दूंगा, आप लोगों से दो बातें जो भूले बिसरे, पहले भूले बिसरे गीत आया करते थे रेडियो में, भूले बिसरे गीत आप लोग सुने कि नहीं? तो वही भूले बिसरे बातों को, कोई बहुत अलग से बातें नहीं करूंगा मैं, जो आप जानते हैं, हम जानते हैं, उन्हीं बातों को याद करके जीवन उपयोगी बातों को हमको लेना है, जीवन सजाना है। तो कबीर संगत साधु की, जो गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुवास। संगत की जय साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की आठों पहर पाती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु कबीर साहब करें कि संगत करो साधु की। अब आप पूछेंगे साधु कौन? हमारे जैसे सफेद नीला पीला पहनने वाले नहीं, जिसके पास अच्छी समझ हो, जिनका जीवन निर्मल हो, उसकी वाणी में मिठास हो, जिसके अंदर गहरी समझ हो, चाहे वो धोती
बंगाली में हो, साड़ी ब्लाउज में हो, सूट में हो, फुल पैंट शर्ट में हो, सब संत हैं। और सदगुरु कबीर साहब जी तक विचार उदारशन कहें कबीर सुनो हो संतों, वो सबको संत कहते हैं। तो संतों का जीवन बहुत ही सरल और सहज होता है। हमारे भी चाहते हैं तो कल्याण की बातें, जीवन सुधार की बातें ही करते हैं। लेकिन आज इस भागम भाग की दौर में, इस आधुनिकता में, आज की जनरेशन में, आज की इस 21वीं सदी में, आज के इस विज्ञान युग में आदमी धर्म अध्यात्म को बिल्कुल भूल चुका है। संतों गुरुजनों के विचारों को तो बहुत कम लोग आदर कर पाते हैं, बाकी तो समझते सब बकवास, नए खून वाले। आज के जनरेशन के युवक धर्म और अध्यात्म से बहकते जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों की संस्कृतियों को, जो हमारे पूर्वजों ने हमें रास्ता दिखाया, धर्म और मर्यादा की बातें की, आज इस सारी मर्यादाओं की सीमा रेखा को हम लांघते जा रहे हैं। और याद रखना, जहां जहां पर मर्यादा का उल्लंघन होता है, उल्लंघन करने वाले के व्यक्ति पूरा कंटका कीर्ण हो जाता है, दुखों की तकलीफों की जखीरा बटोर लेते हैं, आदमी समस्याओं के चक्रव्यूह में घिर जाता है। आज यही देखने को मिल रहा है। पश्चात सभ्यता इतनी हावी हो गई है कि आदमी उन्हीं के हवाओं में बह रहे हैं, अपनी मर्यादा संस्कृति लज्जा ही या सब आदमी खो चुका है। पहले के जमाने में हमारे पूर्वजों के पास पहनने के लिए कपड़ा हुआ नहीं करते थे, तब हमारे पूर्वज क्या करते थे, पेड़ के छालों को निकाल कर अपनी इज्जत और अपनी आबरू को ढकते थे। कुछ लोग उस पेड़ के पत्ते को अपनी इज्जत ढकते थे। लेकिन आज क्या है, आज कोई चीज की कमी नहीं है, फिर भी आदमी के कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। बसों में, ट्रेनों में, जहां चलो, ऐसे ऐसे लोगों के पहनाव ओढ़ा देखकर आंखें शर्म से झुक जाती हैं। इसलिए हर माँ बाप यहाँ पर बैठे हुए लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को अच्छा से कपड़ा पहना सिखाएं। कपड़ा हम दिखाने के लिए नहीं पहनते, अपने शरीर को सजाते झजाते तो दूसरे को दिखाने के, अंग प्रदर्शन की चीजें नहीं होती है। मर्यादा, जिन जिन लोगों ने भी मर्यादा की सीमा रेखा लांघा है, उनके जीवन में दुख के सिवाय कुछ भी नहीं आया। भले कुछ क्षण के लेता है कि मैं मॉडर्न हूं, आधुनिक युग हूं, आज कोई नौजवान व्यक्ति धोती पहन ले तो सब उसको देखकर हंसेंगे, कोई नई नवेली बहन, कोई नई नवेली दुल्हन पुराने जमाने की साड़ी पहन ले तो लोग हंसेंगे। तो कौन हंसाना चाहे, हाँ कोई मॉडल पहन ले तो फिर क्या पूछना, अमुक की बहू बहुत फैशन वाली है, बड़ा नाम होता है। तो मर्यादा सबसे बड़ी चीज है। आप अपने माँ के गर्भ से, आप चाहकर भी बहुत हैंडसम और ब्यूटीफुल पैदा नहीं हो सकते। मैं चाहूं कि मैं अच्छा हैंडसम बनकर माँ के गर्भ से पैदा हो जाऊं तो इम्पॉसिबल। जैसे माँ के रंग रूप होते हैं, जैसे जलवायु और वातावरण होते हैं, उसी के तहत आदमी का रंग और रूप। रंग और रूप बहुत बड़ी चीज नहीं है। कोई देखने में बहुत हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, और उनके करेक्टर चरित्र गंदा हो, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आदमी अच्छा लगेगा आपको? और कोई व्यक्ति देखने में सुंदर ना हो, काला कलूटा हो, लेकिन उसका निर्मल जीवन,
लोगों से अच्छा सलूक करता है, अच्छा व्यवहार करता है, तो आदमी सुंदर लगता है। आपके चेहरे की सुंदरता कुछ दिन कुछ वर्ष तक रह सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखो, जब पैदा होते कितना सुंदर लगता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए, छोटे छोटे कुत्तों के पिल्लों को देखोगे लगता है उसके गोद में उठा लूं। छोटे छोटे आपके घर के पाड़ा पाड़ी बछड़ों को देखिए, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है सुंदरता घटती जाती है, घटती जाती है। सुंदरता एक धोखा है, देखकर, किसी सायन ने कहा है, ध्यान से सुनिएगा, बोलिए सद्गुरुदेव की, देखकर मत रीझना बाहर की सफाई पर, बर्फ कैसे है वर्क सोने के लगा है गोबर की मिठाई पर। तो ये बाहरी आप देखेंगे हमारे ही भारत देश में हर वर्ष विश्व सुंदरियां बदल जाती है। इस साल कौन बना है किसी को पता है? नहीं पता है। एक साल में विश्व सुंदरी बदल जाती है, और कितनी विश्व सुंदरियां जमीदोज हो गई, धरती माँ की गोद में समा गई। तो सबसे बड़ी सुंदरता होती है आपके चरित्र की सुंदरता, चरित्र की ही पूजा होती है। चेहरे के तो रूप रंग बदल जाते हैं, दांतें टूट जाती हैं, आंखें खिस धस जाती है, चाम में सिकन आ जाते हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को, बूढ़े बूढ़े बुजुर्गों को कभी देखकर हमको तो याद आ जाती है, अपने जवानी में ये भी इतराती रही होगी, अपनी सुंदरता पर ये भी कभी गुरूर की होगी। लेकिन आज टाइटी फिर सब घट जाता है। तो मर्यादा, मर्यादा में देखो माँ सीता सीमा रेखा एक मर्यादा की रेखा खींचे थे, कौन? लक्ष्मण जी। उस मर्यादा की सीमा रेखा को माँ सीता लांग गई, क्या हुआ? सीता का हरण हुआ। आप देखेंगे आपके गांव में नदी होगी, नाले होंगे, बरसात के दिनों में देखना नदी नालों में, नदी जब अपनी सीमा रेखा को जब पार हो जाती है तो सरकार आसपास में बसे हुए लोगों को हाई अलर्ट करता है, इधर के नजदीक के गांव वाले सब उड़ जाओ, नदी अपनी सीमा रेखा से बढ़ रही है, खतरे के निशान को लांग गई है। लेकिन जब अपनी सीमा रेखा में चलती है तो किसी को कोई ऐतराज नहीं रहता, चलने दो भाई। ऐसे ही जैसे एक और एग्जांपल ले, हमारे भारत देश से सटा हुआ पाकिस्तान है, चीन है और कई देश हैं। कोई भारत की सीमा में पाकिस्तान के जवान उस सीमा को, सीमा की रेखा को लांग कर आ जाए तो क्या हमारे भारत के मिलिट्री के जवान उसको नाश्ता पानी खिलाएंगे? क्या होगा? तुरंत ढाई सुन शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही जो मनुष्य सीमा रेखा को लांगता है तो फिर आफत आ जाती है। इसलिए बंधुओं, ये जिंदगी बहुत बेशकीमती जिंदगी है। आप ये हाड़ शाम चट्टी पेशाब के शरीर नहीं हो। आज आदमी हम देखते हैं अधिकतम लोग शरीरों को बहुत सजाते हैं। इसका मतलब नहीं कि आप गोबरों पर चुपड़ लें, सफाई शुद्धता की आवश्यकता है, लेकिन बहुत सारे टाइम आप, हमारी कितनी बहनें ब्यूटी पार्लर जाती है, थ्रेडिंग कराती है, कई प्रकार के ब्यूटी पार्लर में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, भाई लोग भी जाते हैं, वहाँ जाती हो तो क्या होता है, शरीर सुंदर बनता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है। ये सब बाहरी टीम टाम होता है और करना भी पड़ता है, लेकिन कभी हम अपने मन को, अपने दिल और दिमाग को सुंदर बनाने की सोचते हैं?
इस पर हमारा ध्यान ही नहीं। कोई कोई सूरवीर व्यक्ति होगा सोचता होगा मैं अशांत क्यों रहता हूं। आप हमसे मत, अपने से प्रश्न करिए कि मेरा मन अशांत क्यों रहता है। इतने दिन की जिंदगी बीत गई सत्संग करते भजन करते, मेरे जीवन में अपेक्षित सुधार क्यों नहीं आया। ये जीवन निर्माण की बातें चल रही है। सोचे, जब तक आप सोचे हुए बातों का चिंतन नहीं करोगे, मनन नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे, जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। आप संकल्प करते हो, गुस्साना मत भाई, उदाहरण उसी का दूंगा जैसे कोई भाई बीड़ी पीते होंगे, तो आज संकल्प करें एक पांच बीड़ी मैं पी लेता हूं वो आज एक कम कर दूंगा। संकल्प भी ले, थोड़ा दमदारी के साथ लिया करें। धीरे से कहते हो कि मैं बीड़ी पीना छोड़ दूंगा, इससे काम नहीं चलेगा। थोड़ा जोर से कहे, देखो आप मिलिट्री के जवान लोग सावधान, फ्राक से पैर को पटकते हैं, चुस्ती और दुरुस्ती आती है उससे। ऐसे जोर से चिल्लाकर गली मत कहना कि मैं बीड़ी छोड़ रहा हूं। अपने मन ही मन थोड़े आपकी आवाज अंदर तक जाए, अंतरात्मा तक। आदमी में इतनी शक्ति है कि यदि वो ठान ले, अब एक उदाहरण ले रहा हूं, थोड़ा निगेटिव उदाहरण है, उसको आप पॉजिटिव मत लेना, ना कोई करना भी मत, बताने से पहले कहते हैं। देखो जब आदमी को गुस्सा जब चढ़ता है तो गुस्से में आदमी फांसी लगा लेता है, कोई जहर पी लेता है, कोई कोई बंदे ट्रेन में कट के मर जाता है। एक बार की बात है, इसी में कहानी याद आ गई, मैं सोचता हूँ कह दूँ फिर भूल ना जाऊं। पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। अब जब झगड़ा हुआ तो पति बहुत नाराज हो गया, तो अपनी पत्नी से पति कहता है, सुनते हो जी, मैं आज ट्रेन में कट के मर ही जाऊंगा। उसकी पत्नी कहते, ऐसा मत करना पति देव, नहीं तो नरक हो जाएगा। तो फिर गुस्सा में चलने लगा, फिर चलते चलते कुछ दूर गया, फिर लौट कर आया। उसका पति कहे, ऐसा करो थोड़ा टिफिन तैयार कर दो, ध्यान से सुनिएगा। उसका पति कहता है कि ऐसा करो कि थोड़ा टिफिन तैयार कर दो। तो उसकी पत्नी कहे, तुम मरने जा रहे हो तो टिफिन को क्या करोगे। तो उसका पति कह रहे, भाग्यवान तुम समझती नहीं हो, आज का ट्रेन भी लेट चलती है। अब देख नहीं रहे, इसीलिए हम लोग कार्यक्रम मिस ना हो जाए, हमारे प्यारी बाबूजी करके फोर व्हीलर से आए। अब क्या कह रहा था, ओरिजिनल बात ही मैं भूल गया। तो मर्यादा की महती आवश्यकता है। आप शरीर नहीं है, मैं आप लोगों को कहूं तो थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा, और आश्चर्य लगना भी चाहिए। अब लगता क्यों है आश्चर्य, उसको भी मैं बता देता हूं। हम लोग ये हाड़चाम टट्टी पेशाब के दिखने वाले शरीर नहीं है। बहुत लोगों को लगता हो तब क्या है, तो मैं बताता हूं, आप एक शुद्ध निर्मल आत्मा हैं। आपके अंदर वो आत्मा वास करती है, उसी के सत्ता से आपका शरीर चल रहा है। जैसे ये गाड़ी खड़ी फोर व्हीलर, इसमें ये अपने से तो नहीं चलती, आजकल निकल भी गया है, लेकिन फिर हाल ये गाड़ी नहीं चलती है अपने से। इसमें बैठने वाला ड्राइवर और गाड़ी, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गूढ़ विषय है लेकिन समझने लायक बातें हैं। ये गाड़ी और इसमें बैठने वाला ड्राइवर दोनों एक है कि अलग अलग है, थोड़े सा आप लोग बताएंगे। एक है गाड़ी और ड्राइवर, अलग अलग है ना। तो वैसे ही ये शरीर और शरीर में निवास आत्मा दोनों अलग अलग है। ये तो शरीर तो वही रहती है, जब कोई आदमी मर जाता है आंखें वही होती है, कान वही होते, शरीर इंद्रियां और शरीर आपकी ज्योत का त्यों रहता है। तो फिर आप देख क्यों नहीं पाते, चल क्यों नहीं पाते, क्योंकि उसमें बोलने वाली जिसकी सत्ता से, जिसकी महत्ता से, जिसकी गरिमा से आपका शरीर चलता था, उसी के बदौलत आपकी जिंदगी में रोशन है। बोल रहे हो, देख रहे हो, खा रहे हो, छू रहे हो, वो आत्मा की सत्ता की वजह से। और अभी आपको शरीर में कोई एकदम बारीक
जो नंगी आंखों में देखने में ना दिखे, कोई कीड़ा भी आपके शरीर में चलेगा तो आपको आभास हो जाता है। और आदमी जब मर जाता है, किसी का पोस्टमार्टम होता है, शरीर के कई टुकड़े कर देते हैं लेकिन पता चलता है, फिर तो आपके घर के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आपको कोई परवाह नहीं रहता कि कोई उठकर समझा देता है कि रो मत, नहीं, क्योंकि जो बोलने वाला है, जिसकी सत्ता से शरीर चलती है, वो आत्मा ही नहीं रह जाता। इसलिए कोई आदमी, शरीर तो सबका छूटता है भाई, मरना तो सबको, यहाँ बैठे हैं आपके गांव में देखे हूँ कितनी लाशें इस गांव से गुजरी होगी, वो हर गुजरने वाली लाश हम जैसे जिंदे लोगों को, हम जैसे सांस लेने वाले लोगों को वो संदेश देती है, वो लाश, बेटा आज मैं जैसे चार के कंधों पर सवार होकर जा रही हूँ, याद रखना एक दिन तेरी भी अर्थी सजेगी, आगे आगे तुम हो गए, पीछे पीछे बाराती हो गए, सबका एक दिन राम नाम सत्य होना ही होना। एक ऐसे किसी व्यक्ति की लाश निकली थी, आगे आगे लाश चल रही थी, पीछे लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कह रहे थे, कुछ बच्चे वहीं खड़े थे, तो बच्चे कहने लगे राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। तो ये आप अपने आप को शरीर आप क्यों समझते हैं, क्योंकि कई बार आप जन्म लिए हैं, मरे हैं, हर बार आपको ये शरीर मिला है, इसलिए हमारी सोच सिर्फ और सिर्फ शरीर तक, देह बुद्धि हो गई है, इसलिए हम अपने आप को शरीर समझते हैं। आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात, जो जन्म लिया है मरना ही मरना है, इसलिए मौत से न डरे। इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती आप मर मत जाना, जिंदगी मिली है, जीवन में सुख दुख अच्छा बुरा, इसी का नाम तो जीवन है, जीवन में खुशी ही खुशी हो, आपको जीवन जीने में उतनी मजा नहीं आएगी, जीवन संघर्षपूर्ण ही होना चाहिए, ये मत सोचना दुख मत आए, अरे दुख आए सुख आए सबका स्वागत है, पहले से आप अपने आप को तैयार रखिए, प्रातः उठें, कुछ सूत्र जान लें, प्रातः उठें आप, उठने से पहले 5 मिनट अपने बेड पर बैठिए, कल से आप लोग प्रारंभ करेंगे, हमारे कुछ नियम हैं, उसको आप प्रयोग करके देखिए, फायदा होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, उसमें का कोई साइड इफेक्ट तक करना नहीं है, नहीं, सुबह उठे 5 मिनट आप समय दें, ऐसे आंख मूंद कर बंद कर लें, आज इस दिन को, आज की इस प्रातः सुबह को मैं शांति पूर्वक जीऊंगा, प्रसन्न होकर जीऊंगा, आप लक्ष्य बनाए, बिना उद्देश्य के आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। देखिए यहाँ लोग कितने लोग बैठ कर आए हैं, अपने बाहर से आए हैं, यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं सब सोच कर आए हैं कि हमें सत्संग में जाना है, अपने घर से भी इधर अंदर से जो लोग आए होंगे वहां से भी सोच कर आए हैं। तो वैसे जीवन को टारगेट करें, आज दिन भर शांत रहना है, कोई विवाद की स्थिति आएगी तब भी नहीं उलझूंगा, आज मैं अपनी बीबी से, बच्चों से, घर के लोगों से फुल पावर प्यार लुटाऊंगा। हम लोग बहुत उपवास रहते हैं, हमारी माताएं बहुत ज्यादा उपवास रहती हैं, तो उपवास के दिन करते क्या हैं आप लोग? हाँ, कई लोग तो पानी तक नहीं पीते हैं, इधर भीमसनी एकादशी रहते हैं कि नहीं रहते हैं? भीमसन जी का उस दिन तो आदमी बेड पर सोने वाले बेड पर भी नहीं सोते, जमीन पर ऐसे बिना कुछ बिछाए, जल तक ग्रहण नहीं करते, ये भी एक उपवास है। लेकिन आइए एक और उपवास हम आपको सिखा दें, कोई दिन हफ्ता में एक दिन दो दिन, मैं जो उपवास बता रहा हूं वो कस कर खा पी कर गले के आते तक खा सकते हैं उस उपवास में, देखो कितना बढ़िया उपवास, खा पी कर उपवास करना मैं बता रहा हूं। आप
हफ्ते में एक दिन उपवास करिए, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा। गुस्सा नहीं करने का उपवास खा पी कर करिए। अब कितने भाई साहब लोग उपवास हैं लेकिन जर्दा जरूर खाएंगे, फिर खाने के बाद पीछे से उधर थूकेंगे। हम तो कहते भी इतने महंगे के आप गुटखा खाते, पूरे गुटक ही है, उससे हमारे आसपास के वातावरण भी बढ़िया हो। देखो हम लोग दूध पीते हैं तो ऐसे पीते हैं तो फुर के मुंह से नहीं फेंकते, सबको गुटक जाते हैं। भोजन करते हो चार छह कमरा खाए उसके बाद फुर, ऐसे नहीं करते, सबको खाते हैं। नहीं तो उपवास रहिए, आज क्रोध नहीं करूंगा, दूसरे दिन उपवास रहिए, आज शांत रहना है, आज किसी से लड़ना झगड़ना ही नहीं है। जब तक आप ऐसे छोटे छोटे बातों को जीवन में नहीं अपनाएंगे तब तक जिंदगी का पार आप नहीं पा सकते। मन तो बहिर्मुख, बाहर की ओर दौड़ता, कब सोचता अच्छा कर दूं, बहुत मनाना पठाना पड़ता, इसके भी पांव पड़ना पड़ता है। नहीं तो हर इंसान को तो मन रगड़ रहा है, कहते हो ना मेरा मन उधर हो ही नहीं रहा। अच्छे कामों के लिए आपके मन को राजी करना सीखे। छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दोगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, वरना जिंदगी भर झंकते रहोगे, तड़पते रहोगे, शांति से कभी मुलाकात ही नहीं होगी। तो जिंदगी मिली है तो मौत भी जरूरी है। धीरे धीरे हम लोग कहाँ कर रहे हैं, मौत की तरफ तो ही खिसक रहे हैं। निरंतर हर दिन एक दिन बीतता है, आपकी जिंदगी के एक दिन घट जाता है। हर सेकंड, हर मिनट, हर पल, हर घड़ी मौत की ओर चल रहे हैं। एक बार की बात है, मौत कैसे निश्चित है इस पर मैं बता रहा हूँ। एक जगह देवताओं की मीटिंग थी, ध्यान से सुनिएगा, बोलिए सद्गुरुदेव की, देवताओं की मीटिंग थी। भाई आजकल किसी, हम लोगों की मीटिंग होती तो किसी के पास चार पहिया हैं तो चार पहिया लेकर आते हो, मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल से आते हो। तो जब देवताओं की मीटिंग थी, हमारे कोई शंकर भगवान, गणेश जी, दुर्गा काली, लोग कोई स्कूटर मोटरसाइकिल स्कूटी तो नहीं चलाते थे। तो गणेश जी सर्वप्रथम पूजा गणेश देव की होती है। गणेश जी पहुंचे मीटिंग में, तो गणेश की सवारी क्या है, चूहा है, चूहा को मारना मत भाई। तो गणेश जी चूहा में आए, ऐसे बहुत बड़ा हाल था, उसी में वो मीटिंग होनी थी, बहुत ही स्पेशल मीटिंग थी, बाद में बताऊंगा। तो सर्वप्रथम गणेश जी आए चूहा पे बैठकर, चूहा को ऐसे बाहर कर दिया जैसे आप लोग मोटरसाइकिल करके यहाँ बैठे हैं, वो चूहा वहीं रख दिया और अंदर मीटिंग में आ गया। उसके बाद उसके पिता श्री शंकर जी आए, उसकी सवारी क्या है, बैल, बैल में बैठकर शंकर जी, वो भी वही छोड़ के अंदर हाल में आए। उसके बाद उसके बड़े सुपुत्र कार्तिक जी आए, उसकी सवारी क्या है, मोर में आए। बताते जाना भाई मैं सवारी बहुत कम जानता हूं। उसके बाद फिर विष्णु भगवान आए, उसकी सवारी क्या है, चलो कोई नहीं जानते, जिसमें वो बैठ कर आए हैं गरुड़, हमारे बुजुर्ग लोग नहीं बता पा रहे हैं क्या बात है। अब चलिए अंतिम करते हो, उसके बाद अंतिम में यमराज आए, और यमराज की सवारी क्या है, भैंसा है ना, भैंसा में बैठ कर आए। देखिए हमारे पहले के देवी देवता लोगों की सवारी कितनी अच्छी थी, पेट्रोल वेट्रोल कुछ नहीं लगता था, पेट्रोल डीजल कम करो वाली बात ही नहीं थी। तो अंतिम में जब यमराज आया तो वैसे ही जहाँ मीटिंग होनी थी हाल में, ऐसे ही नीम का बहुत बढ़िया, देख रहे हो इधर नीम पेड़ है ना, देख लो ना एक बार, नीम का जो पेड़ था उसी में कबूतर बैठा हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, वो कबूतर बैठा हुआ था। जब यमराज जी अपनी सवारी भैंसा से उतरा तो उसकी नजर, उसकी दृष्टि उस नीम पर बैठा हुआ कबूतर पर पड़ा, यमराज उसको बड़े आश्चर्यजनक दृश्य से देखा, और देखकर यमराज उस हाल में चला गया। और उसको जब आश्चर्यजनक दृष्टि से देखा, कबूतर बहुत डर गया,
फिर कबूतर देखकर रोने, भाई यमराज किसी को देख ले, छोटी मोटी बातें थोड़ी है। वो कबूतर डर गया, रोने लगा। उसकी रोने की आवाज नीचे गरुड़ सुना। गरुड़ ने पूछा कि भाई साहब क्यों रो रहे हो? तब उस कबूतर ने बताया कि भैया अभी अभी यमराज जी भैंसा से उतरा और मेरे तरफ इस दृष्टि से देखा कि लगता है आज मेरी जिंदगी की अंतिम है, आज राम नाम सत्य हो जाएगा, ऐसा लगता है। तो गरुड़ ने कहा कि अरे मूर्ख, तुम डरते क्यों हो? आओ मेरी पीठ पर बैठो, अभी मैं घंटों में तुम्हें 1000 किलोमीटर दूर उस बिहार पहाड़ियों पर छोड़कर आता हूं। और उधर से कबूतर उतरा सचमुच में उसके पीठ पर बैठा और 1000 किलोमीटर दूर मिनटों में, चलो घंटों में छोड़कर वो गरुड़ वापस आ गया। और जैसे इधर देवताओं की मीटिंग समाप्त हुई, सब लोग निकलने लगे। निकलते निकलते यमराज पुनः फिर उधर देखता है कि अरे यहाँ पर तो कबूतर बैठा था, वो कहाँ गया? ऐसे कहते कहते वो मुंह से भी बोल डाला तो बगल में बैठे गरुड़ फट से बोला कि यमराज जी, अरे उसको तो मैं 1000 किलोमीटर दूर छोड़ आया हूँ, आप उसके पार भी नहीं पाओगे। तब यमराज कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद गरुड़ जी, यही तो मैं सोच रहा था कि 1 घंटे बाद ये छोटे से कबूतर की मौत 1000 किलोमीटर दूर उस पहाड़ियों पर होने वाला है, ये पहुंचेगा कैसे? आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वहां उसे पहुंचा ही दिया। इसीलिए जिसकी मौत जैसी होनी वैसी ही होती है। मौत से बस कभी भी मत डरना, रोज याद किया करना, हर पल हर क्षण हर घड़ी अपनी मौत को जो बंदा याद करता है, जो सज्जन और देवियां याद करती है, उसके जिंदगी में बहार आता है। विश्वास नहीं तो याद कर करके रोज देखना। ये हमारे साधु संत बैठे हैं अपने साधना के मार्ग में टिके हैं, उसका एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है मौत। तो मौत को देखना सीख, कभी भी मत घबराइए, मत डरिए। जिस दिन मरना है मौत होगी ही होगी, इसलिए जिंदगी को बेहतर बनाएं, अच्छा से जिए, हर लोगों के साथ आप अच्छा व्यवहार करना तो सीखें। हम तो हमारी सोच तो सिर्फ और सिर्फ अपने तक है, हमारा बन गया तो दुनिया की बन गई, ये सोच को आपको बदलना पड़ेगा। और बदलेंगे तभी जीवन में निखार आएगा। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, आज बसेरा नीरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। आज आपका बसेरा नजदीक है। देखो सतगुरु कबीर साहब को लोग पढ़े लिखे नहीं थे कहते, लेकिन क्या करें, आज बसेरा नीरे, नियर मने नजदीक पास। सतगुरु कबीर साहब जी बड़े विद्वान संत थे, लोग पढ़े लिखे नहीं, कितने भाषाओं का प्रयोग किया है। बीजक में देखिए, गुजरात गए तो गुजराती की भाषा, हर प्रकार की बोली भाषाओं का प्रयोग किए। तो आज बसेरा नियर, आज आपका बसेरा नजदीक, किसके नजदीक है? कल्याण के नजदीक है। मानव जीवन में ही कल्याण का काम, साधना का काम, परोपकार का काम होता है। इसलिए बंधुओं, परोपकार करते चलें, अपने से जो बन पड़े करते चलें। दूसरा क्या सोचता है, क्या समझता है, आपके साथ कैसे व्यवहार करता है, उसकी कोई महत्व नहीं है। आप दूसरों के साथ कैसे करते हो, क्योंकि जो आप दूसरों को देते हैं वही लौट कर आपको मिलता है। अभी हम वर्तमान में जैसे हम जीवन जी रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं अच्छा और बुरा, वो अपने ही कर्मों का फल है। आदमी जैसे जैसे कर्म करता है उसी के अनुरूप उसके जीवन का निर्माण होता है। आदमी चंद पैसों के लिए, अपने घर परिवार, अपने बाल बच्चों की खुशी के लिए दूसरों के साथ गलत व्यवहार करता है, गलत काम करता है। आप दूसरों को दुख देकर कभी भी खुश हो ही नहीं सकते।
दूसरों के रास्ते पर आप फूल नहीं बिछा सकते तो कांटे बंद मत बिछाइए। ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे छोटी छोटी गलतियां, यही हमें दुख देती है। तो साहब कहते हैं कि आज बसेरा नियरे, आज आप कल्याण के बहुत निकट हैं। आज के समय को कभी मत खोइए। आज उकाल दिन कई के में अस्थिर ना ही शरीर, कहीं कबीर कसरा की हो कांचे बासन। अपने जीवन को पूर्ण जागृति पूर्वक, जिस कभी साहब ने कहा है बीजक में ही जो जागल सो भागल हो रमैया राम। मैं इसकी नीची पंक्ति कहा था, ऊपर चढ़ रहा हूं। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, जो जागता है वही भागता है। भगवान बुद्ध के बारे में आप लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध राजा के लड़के थे, राजमहलों में पले, सारे ऐश्वर्य के साधन थे। उनकी पत्नी थी, उनका इकलौता पुत्र था राहुल। लेकिन जब उसके अंदर वैराग्य की खुमारी चढ़ी, वैराग्य की मस्ती चढ़ी, सारे धन दौलत रुपये पैसे राजमहल फीके लग गए, निकल गए रातों रात। और बौद्धों में दीक्षित हो गए। क्या कमी थी उस महापुरुष के पास, भगवान महावीर। वो भी राजा के ही लड़के थे, राजमहलों से निकले थे। सचमुच में जिसको अंदर में भक्ति का रंग जब चढ़ जाता है, वैराग्य की जब खुमारी, वैराग्य की मस्ती में जब मन मस्त हो जाता है, तो फिर दुनिया की सारी चीजें फीकी नजर आती है। और जैसे जैसे भक्ति में, साधना में मन लगता है, संसारी चीजें हल्की लगती। जैसे आप अभी नीचे बैठे हो, इस छत पर चढ़ जाओगे, यहां से उधर की वस्तुओं को देखोगे तो छोटी दिखेगी, और ऊंचाई पर चढ़ोगे दो तीन मंजिल पर तो यहां की चीजें और छोटी लगने लगेगी। कभी कभार आप लोग हवाई जहाज की यात्रा किए होंगे तो वहां से नीचे देखोगे तो बड़े 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 घर डिब्बा जैसा दिखता है, खेत खार क्यारी जैसी लगती है। वैसे ही जीवन में जैसी जैसी ऊंचाई आती है, ये संसारी चीजें, संसार की भोगों की चीजें, दुनियादारी सब फीकी लगती है। और देखोगे मीराबाई चित्तौड़ के, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। वो राजा और महाराजा घर की लड़की थी, लेकिन जब बैराग का रंग चढ़ा, भक्ति का रंग चढ़ा, तो सब कुछ भूल गई मीरा, गली गली नाचने लगी। ऐसे नहीं पैर ठमकता है, भूल गई सारी दुनिया की मर्यादाएं, एक तरफ हो गई। तो ये जगे हुए लोग थे, कबीर, बुद्ध, महावीर, ईसा, सुकरात, ये हमारे आदर्श है। इनके उच्च आदर्शों को हमें जीवन में अपनाना चाहिए, तभी जीवन खिलेगा, तभी हम जीवन की कीमत को समझ पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप अपने तक न जिए, अपने द्वारा। सौभाग्य से देखिए, मनुष्य का शरीर मिला और आपकी सारी इंद्रियां अच्छी है, दिल दिमाग अच्छा है, पागल होते गंदे नाली के पानी पीते, इधर उधर की बातें करते, लेकिन शरीर स्वस्थ है, मन मस्त है। तो साहब कहते हैं कि जो जागल सो भागल, और सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। जो जागता है वही भागता है। और उसके और ऊपर की पंक्ति है, सोवत गैल जागत चोर घर मुंह सही हो रमैया राम। कभी साहब कहते हैं कि आपके जागते जागते आपके घर में चोर घुस रहा है। एक व्यक्ति था, पति पत्नी दोनों जागते जागते सोए हुए थे, एकदम नहीं सो गए थे, जाग भी रहे थे, सोए भी हुए थे। उसके घर के पिछवाड़े से एक व्यक्ति आया तो उसकी पत्नी ने अपने पति को बताया कि सुनते हो जी, कोई आदमी हमारे घर के नजदीक आ गए हैं। उसका पति कहा हाँ हाँ मैं देख रहा हूं। फिर उसकी पत्नी बताई वो दरवाजे के अंदर घुस गया है।
उसका पति कहता है कि हाँ हाँ मैं देख रहा हूं। फिर उसकी पति पत्नी बताती है कि कमरे में घुस गया है, तो उसका पति कहता है कि देख रहा हूं ना भाई। फिर उसकी पत्नी बताती कि वो सामान को लेकर जा रहा है, तब बहुत दूर चला गया जब चोर, तो उसका पति उठा और तलवार नंगी तलवार हिलाने लगा, पटक रहा कहां है कहां है, हैं? वो आदमी का यार पूछ रहा था, किसी के घर में सब लोग जग रहे हैं, कोई बाहर के व्यक्ति आकर चुरा कर ले जाए सामान, या आपकी जेब से रोज 50 रुपया 100 रुपया निकलता जाए तो क्या होगा, गरीब हो जाओगे आप। वैसे ही हमारी आत्मधन को, आत्मज्ञान को, हमारे सद्गुण सदाचार को ये काम क्रोध रूपी चोर रोज चुरा रहा है, और हमको इसका गम नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आत्मधन की रक्षा करें, अपने जीवन धन, ये जीवन भी एक धन है, ये रुपए पैसे मकान से भी बड़ा धन आपका जीवन धन है, ये जीवन धन बहुत ही अमूल्य धन है, ये मनुष्य शरीर बहुत ही सौभाग्य से मिलता है। आज आपका बसेरा कल्याण के बहुत निकट है, आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो उपलब्ध हो सकते हैं, तो जीवन के इस बेशकीमती क्षणों को आप व्यर्थ में मत जाने दें, समझे इसकी कीमत को। आज हम देखो चल रहे हैं फिर रहे हैं, पता नहीं शरीर है, शरीर जो सड़े गले वही तो शरीर है, पता नहीं खुदा ना खास्ता ऐसे किसी की जिंदगी में ना हो, लेकिन हो जाता है, हंसते खेलते व्यक्ति के भी जीवन में ऐसे संकट आ जाता है कि बेचारा खाट में जिंदा लाश की तरह पड़ा रहता है। फिर वो गांव की गलियां घर की चौखट देख पाना मुश्किल हो जाता है। अभी हमारे एक भक्त हैं छत्तीसगढ़ के, उनको कई शास्त्रों का बहुत ज्ञान है बीजक का, उसके पास आप बैठिए दिन रात, हम तो उससे बात करते धारा आधा घंटा, वहां सही बात है इतना ही बोलते हैं, फिर वो बोलना शुरू करता है, फिर 15 मिनट बाद बोलते हैं हाँ सही बात है, वो बोलता ही रहता है, बीजा का उसका इसका उसका, इतना उसके पास संग्रह है। आज बेचारे को लकवा मार दिया, हाथ पैर इंद्रियां सब सही है, सिर्फ बोल नहीं पा रहा है। हम लोगों को थोड़ा घर के लोग राहत का भी सांस ले रहे हैं, ये बनाओ वो बनाओ, उसके पास बोलने वाला भी अच्छा व्यक्ति है, लेकिन क्या करोगे। तो वैसे एक शरीर में तो मजबूरियां हैं, किसके साथ किसके जीवन में कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देता नहीं किसी का, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, इसलिए पछताना ना पड़े। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया, और जब हम लोग उठ जाएंगे तब यहाँ कोई आएगा रे और करो महाराज, तो ऐसे थोड़े होगा। इसीलिए वर्तमान में जीना सीखे, अभी लाभ ले लो, फिर तो अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। एक कहानी और कहूंगा, सिंपल कहानी है, आपको हंसी आए तो हंस देना, नहीं तो मत देना, आपकी मर्जी। एक व्यक्ति था, वो ऐसे नदी के किनारे चल रहा था, चलते चलते देखा एक बहुत बड़ी हंडी थी, उस हंडी में बहुत सारे पूरे हंडी भरी थी चमकीले पत्थरों से। वो नौजवान लड़का देखा कि हंडी में बहुत चमकदार पत्थर भरे हुए हैं, वो लड़का नदी के पास ऐसे बैठा और बैठकर एक एक पत्थरों को ऐसे नदी में फेंकते गया, जैसे हम लोग बैठ जाते हैं ना तालाब नदी किनारे तो कंकड़ को ऐसे ऐसे फेंकते हैं, तो वैसे ही कुतूहलवश वो भी वैसे फेंकता गया। अंत में उसके पास एक वो कांच की गोली, वो गोली रह गई, उसको लेकर वो घर आया तो उसके लड़के के पिताजी ने देखा कि अरे ये तो बहुत चमकदार पत्थर है। वो ले जाकर
सोने चांदी जो हीरे वाले हैं उनके पारखी के पास उसको दिखाया, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब इस मिला कहां से ये? कहे भाई साहब मेरा बच्चा कहीं नदी के किनारे से लेकर आया है। उन्हें कहा कि भाई साहब ये साधारण पत्थर नहीं, ये हीरा है। उसके बाप उसको लेकर दौड़ते दौड़ते अपने बेटे के पास कहा, बेटा इसको कहां से पाए? उसके बेटा ने कहा कि पिताजी क्यों, अरे वो तो पूरे खंडी में ऐसे ही पत्थर भरा था। उसके ने पिता ने पूछा वो कहाँ है? उस बच्चे ने कहा कि पिताजी मैं तो उसको सबको नदी में फेंक। तब उसके पिता ने अपने लड़के, बेटा ये हीरा है हीरा। तब वो लड़का माथा कुटने लगा कि हीरा तो हाथ लगा था लेकिन मैं पत्थर समझकर सारे पत्थरों उस हीरों को नदी में फेंक डाला। ऐसे ही हमको भी न पछताना पड़े कि हीरा के शरीखा, हीरा से भी अधिक मूल्यवान आपका जीवन है, आपकी जिंदगी है। इस जिंदगी को समझे, कुछ कर गुजरे अपने लिए, कुछ कल्याण का काम, कुछ परोपकार का काम, कुछ सेवा का काम करते चलो, तभी ये मनुष्य जीवन पाने की सफलता है। दूसरी बात और अंतिम बात आज की 2023 साल की अंतिम बात मेरी और आपकी, जीवन में जिंदगी है, जीवन है तो जीवन में समस्याएं भी आएगी, विषम से विषम समस्याएं आ सकती है, लेकिन उस समस्याओं का समाधान कैसे होगा? आप चेहरे लटका दो, दुखी हो जाओ, अशांत हो जाओ, चिंतित हो जाओ, इससे आपकी समस्या का समाधान होगा क्या? इसलिए यहाँ पर जितने मेरे भाई बहन बैठे हैं, निवेदन है, जीवन में दुख आए कभी भी उदास, परेशान, निराश बिल्कुल मत होइए। ये जीवन में आना ही है, ये जीवन का क्रम है, दुनिया की दस्तूर है। किसके जीवन में इस खुशी देखिए, जिसको हम भगवान कहते हैं, माता सीता, जनक, राजा जनक की दुलारी, राजमहलों में फूल के सेजों पर सोने वाली, भगवान राम से ब्याही गई, भगवान राम को वनवास हुआ, वो अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर 14 वर्ष वनवास, जंगलों में, पहाड़ों में, कटीले जगहों पर साथ में साथ मिलकर चले। भगवान राम को शाम को सुबह बताया गया वनवास, या रात को भगवान राम को और सुबह वनवास, लेकिन भगवान राम शांत भाव से ना अपने पिता को गाली दिए, ना माता को गाली दिए, चुपचाप चले गए। भगवान राम बन गए, कहाँ गए? बन गए तो उसका बन गया, देखो वो बन गए तो उसका बन गया। इसीलिए तो आज हम पूछ रहे हैं, कोई सी फूलों की सैया पर, डल्लभ के गद्दे पर सोने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाता है, इतिहास उसका लिखा जाता है जो संघर्ष करता है, इस विषम परिस्थितियों को चीर कर जो आगे बढ़ता है, उसी का इतिहास लिखा जाता है। फूल के सैया पर खेलने वाले, लौटने वाले, ऐसे तैसे चलने वाले का नहीं होता है, इसलिए उस इतिहास में आपका भी नाम उन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। कभी भी जीवन में विषम परिस्थितियां आए, दुख आए, दुखों का पहाड़ टूट पड़े, दुखों की बारिश हो, तो तुरंत सुख और शांति की छतरी खोलें, फिर उन बारिशों से आप आसानी से बच जाएंगे। इसलिए जितने भी मेरे भाई बहन, माता बहने, मेरे पिता स्वरूप आप लोग बैठे हैं, निवेदन है, जीवन में दुख आए, अशांति आए, उसको रौंदते हुए आगे बढ़े। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, अशांत और परेशान उसके समाधान ढूंढिए, जहां समस्या वही समाधान। जिंदगी में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हाँ, एक समस्या की समाधान नहीं, वो क्या है? आपकी यदि समस्या ही काल्पनिक है, कुछ का कुछ मन में सोच रहे हो, तो उसकी समस्या कैसे, समाधान कहां से मिलेगा? क्योंकि आपकी समस्या काल्पनिक है। तो जीवन को बहादुरी पूर्वक जिए, आपके पास इतनी शक्ति और समर्थ है कि आप अपने जीवन को अमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। सत्संग यही सिखाता है, जहां जीवन बदलता है
जीवन बदलने की यही जगह है। आप देखिए दुनिया में कितना पढ़ाई, कितने बड़े बड़े विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, किसके लिए? बाहरी शिक्षा, लेकिन जीवन निर्माण की बातें कहाँ होती हैं? आपके गांव में ही देखिए, किसी से गलती होगी तो समाज जरूर दंडित करते हैं, लेकिन उस सामने वाले व्यक्ति से गलती ही ना हो इसका कोई समाधान ही नहीं, उसके लिए कोई प्रयास ही नहीं है। इसलिए जिस घर में, जिस परिवार में रहते हो, सबके साथ आत्मतुल्य व्यवहार करें, बहू से, बेटे से। ये चार दिन की जिंदगी है भाई, किसी हमारी बहने से, बहुओं से, सास से न जमती हो तो आज इस सत्संग से सुनकर जाकर अपनी सासू माँ की पैर जरूर छू लेना। किसी बाप बेटे में न जमता हो तभी ये सत्संग का लाभ होगा। ये बहुत बड़ा यज्ञ है, और यज्ञों में तो देखे काजू, किशमिश, बादाम, स्वाहा स्वाहा। चलिए मैं भी आज मंत्र पढ़ रहा हूँ, अपने अपने अंदर की कमजोरियों का यही स्वाहा करिए, वो बचने ना पाए, रौन दो उसको। ये सत्संग इतने आप लोग मेहनत करके, मेहनत की गाढ़ी कमाई, हम लोग आपसे दो चार पैसा लेने के लिए नहीं आते हैं। आपका प्यार और जो सदगुरु और संतों ने जो अभियान छेड़ा है, सदगुरु कबीर साहब के विचारों को पहुंचाने के लिए, आप कहीं 10,000 भी दे दोगे वो कोई हमारे लिए मायने नहीं रखता है। इसलिए आप लोगों के लिए ही संत गुरुजन हमारे हित के लिए ही आते हैं। छोटे छोटे गलियों में, कुछ इतनी कड़कड़ाती ठंडी में क्या जरूरत थी? यदि हम लोग अपने आश्रम के घेरे से जिंदगी भर न निकले तब भी खाने पीने की कमी नहीं होगी, क्योंकि हमने 25 साल इस साधना के जीवन में, 21 साल में घर छोड़े, अब तक एक भी कपड़े हम खरीद कर नहीं पहने। जो भी खाते हैं, पीते हैं, जो भी करते हैं, आप लोगों के दिए हुए से करते हैं। और हमें पता है हमें भूख लगने नहीं, भूख लगेगी, आप लोग आएंगे दाल भात रोटी सब्जी खिलाकर ही जाएंगे। हमें भूखा आप नहीं देख सकते, हम लोगों को विश्वास है। हम अपने माता पिता, घर बार तो छूट गया, घर में थे तो एक माँ थी, एक पिता थे, आज हमारे हजारों माँ हैं, हजारों पिता हैं, कितने बहने हैं। घर में थे तो दो चार बहने थी, लेकिन यहाँ तो कितनी बहन, जितनी माताएं, सब माताएं हैं, सब बहन। हमने घर से निकलकर उन्नति ही की है, एक दो में नहीं अटके, कितने सब पूरे दुनिया की माता बहनें हमारी माता बहन। इसलिए बंधुओं, संत जन आपके आंगन तक आते हैं, उनके आह्वान को, उनके विचारों को आप गंभीरता से समझें और जीवन में उतारें। आप लोगों की खुशी हमारी खुशी है, क्योंकि हमारे परिवार, हमारे घर आप लोग हैं। आप लोग अच्छा से रहते हैं तो हम लोगों को प्रसन्नता होती है, हम लोग अच्छे से रहते हैं तो आप लोगों को, भले ये खून का रिश्ता नहीं है लेकिन प्रेम का रिश्ता, भक्ति का रिश्ता, ये बहुत बड़े महत्व रखता है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जीवन के हर परिस्थितियों में प्रसन्न रहिए। परेशानियाँ कोई बात नहीं, इसको भी हम झेल लेंगे। अरे इससे बड़ी बड़ी परेशानियों को रौंद डाले तो ये क्या चीज है? अच्छी सोच रखोगे, समझ अच्छी होगी, अच्छी भावनाओं की जब अंदर में तरंग उठेगी, अच्छी भावनाओं की ज्वार भाटी जब उठेंगे, तो देखना बड़ी बड़ी समस्याएं सामान्य लगेगी। और जहां आप अशांत हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, तनाव में, टेंशन में जब आ जाते हैं, तो छोटी छोटी समस्याएं जिसको आप ऐसे ही लांग जाओगे वो बड़ी महसूस होती है। तो आप सबसे मेरा निवेदन, अपने जिंदगी को हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते हुए, जो गुनगुनाता है उसको भुनभुनाना नहीं पड़ता है, और जो व्यक्ति भुनभुनाता है फिर वो गुनगुना नहीं पाता। इसलिए गुनगुनाना सीखेंगे तो भुनभुनाना समाप्त हो जाएगा। चलिए मेरे साथ दो लाइन गुनगुना लीजिए, बोलिए सद्गुरुदेव की। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता,
ज्ञान हमको दीजिए। और मस्त होकर गाइए, कितने लोग शर्मा रहे हैं और कितने लोगों को सिर्फ ओंठ हिल रहे हैं, कोई कोई बगल वाले देख रहे हैं गा रहे कि नहीं गा रहे। ऐसा मत करिए, प्रेम से ईमानदारी से अपने लिए भजन करिए। सदगुरु का ये भजन है, कीर्तन है, गुनगुनाइए। आज गुनगुनाने का मौका भी बताया ना, हमारे विरुद्ध बुजुर्ग भक्त थे, आज बेचारा बोल ही नहीं पा, हाथ पैर सब चल रहे, सिर्फ मुंह बंद हो गया। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। 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 शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को से कीजिए। एक बार और सुन लीजिए, ट्राई अगेन। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। 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 बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। समस्त ग्राम वासियों की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय।